नमस्कार आदा, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूं। और एक महिलाओं के लिए फैसला, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने देश की महिलाओं को मिले अबॉर्शन यानी के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने 2 दिन पहले ही 50 साल पहले के अपने उस फैसले को पलट दिया जिसमें ये कहा गया था कि महिलाओं के लिए अबॉर्शन का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। 50 साल पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में ये फैसला सुनाया था उसे रो बनाम वेड केस के तौर पे जाना जाता है। अब इस नए फैसले के बाद 50 साल पहले के इस मामले की काफी चर्चा हो रही है। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि ये आखिर मामला क्या था। तो सितंबर 1947, जिस समय भारत नया नया आज़ाद हुआ था, उस समय की ये बात है। अमेरिका में लुइसियाना में नोर्मा मैककार्वी नाम की एक बच्ची पैदा होती है। उसकी माँ सिंगल पेरेंट थी, मतलब माँ ने अकेले ही नोर्मा की परवरिश की। नोर्मा की माँ को शराब की आदत थी जिसके चलते नोर्मा का बचपन काफ़ी डिप्रेशन में गुजरा। इसका उसके ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव था। वो दूसरे बच्चों से झगड़ जाती थी, बात बात पे लड़ जाती थी। नौबत ये आ गई कि नॉर्मा को कुछ समय के लिए रिफॉर्म स्कूल में भी भेजा गया जहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक सलाह दी जाती है, उनको और भी कई तरीकों से रिफॉर्म किया जाता है। नॉर्मा की छोटी ही उम्र में शादी हो गई और महज 16 साल की उम्र में वो पहली बार प्रेग्नेंट होती है, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले ही उसका तलाक हो जाता है। इसके चलते अपने पहले बच्चे की कस्टडी अपनी माँ को सौंप दी उसने। बाद में 20 साल की उम्र में उसको दूसरा बच्चा हुआ। इस बार उसने बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दिया और 2 साल के बाद फिर से यानी 22 साल की उम्र में वो तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है। इस बार उसे बच्चा नहीं चाहिए था क्योंकि एक बच्चा वो अपनी माँ को दे चुकी थी, एक बच्चा उसने अडॉप्शन के लिए दे दिया था और अब वो अबॉर्शन कराना चाहती थी। लेकिन अमेरिका के टेक्सास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा कोई नियम नहीं था। राज्य में अबॉर्शन की इजाज़त उसी स्थिति में मिलती थी जिसमें माँ की जान को खतरा ना हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अबॉर्शन और माँ की जान दोनों में बहुत बड़ा रिलेशन होता है। अगर माँ की जान को कोई खतरा है तो उस बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया जाता। खैर, मैं नॉर्मा की बात कर रही हूँ, तो नॉर्मा के केस में ऐसा नहीं था, इसलिए उसने कोर्ट जाने का फैसला किया। और कोर्ट का फैसला आने में काफी देर हो चुकी थी, तब तक नॉर्मा अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे चुकी थी। ऐसे एक दो केसेस यहाँ इंडिया में भी हो चुके हैं। और नॉर्मा की बात करूँ तो नॉर्मा ने इस बच्चे को भी अडॉप्शन के लिए दे दिया। और जून 1970 में एक निचली अदालत ने, 3 जजों की बेंच ने टेक्सास के गर्भपात विरोधी कानून को असंवैधानिक बता दिया। और इसके बाद टेक्सास सरकार ने इसके खिलाफ उच्च अदालत में अपील की यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उस समय नॉर्मा मैककार्वी का असली नाम छिपा दिया गया था, जबकि हेनरी वेड उस दौर में टेक्सास के डलास काउंटी में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हुआ करते थे, यानी सरकार का वो अपना पक्ष रख रहे थे। इसी वजह से इस केस को रो वर्सेस वेड के नाम से जाना जाता है। टेक्सास की सरकार की अपील पर यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है जहां दिसंबर 1971 में सुनवाई शुरू हुई और जनवरी 1973 में फैसला आ गया। और इस केस की सुनवाई के लिए बनाई गई 9 जजेस की बेंच में से 7 ने जेन डो के पक्ष में अपना फैसला दिया। वहीं टेक्सास के जेन डो के पक्ष में दिए गए फैसले में कहा गया कि गर्भवती महिला एक तय समय तक गर्भपात करा सकती है, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। रॉ वर्सेस वेड केस में आए फैसले के तहत अबॉर्शन को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले 3 महीनों में गर्भपात की पूरी आज़ादी रहती है और तीसरे से छठवें महीने तक कुल हेल्थ रेगुलेशंस के साथ गर्भपात की इजाज़त दी गई। और वहीं 6 से 9 महीने तक किसी अपवाद को छोड़ करके गर्भपात की कतई इजाज़त नहीं दी जाती। और अगर मेडिकल फॉर्म से देखा जाए तो ये जो 3 सेगमेंट बनाए हैं ये हर जगह पे लागू होते हैं। पहले 3 महीने में आसानी से गर्भपात हो जाता है,
लेकिन छठे से नौवें महीने में गर्भपात की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाती। अमेरिका के संविधान के तहत राज्यों के पास अपने अलग अलग कानून बनाने की इजाजत है। इंडिया में ऐसा नहीं है अभी। खैर, मैं फिर उसी फैसले पे आती हूँ। और ऐसे में ये फैसला सभी राज्यों के ऊपर बाध्य नहीं था। इस तरह से अलग अलग राज्यों के पास गर्भपात पर पूरी तरह से बैन लगाने या फिर उस पर कड़े नियंत्रण वाले कानून बनाने का एक विकल्प बचा हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जाना सांकेतिक तौर पे बहुत ही मुश्किल था। इस फैसले ने अमेरिकी महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दिया। ऐसे में इसे ऐतिहासिक कहा गया। आगे 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पुराने फैसले में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया, संशोधन किया। कोर्ट ने 3 तिमाही वाले सिस्टम को हटा करके भ्रूण के सर्वाइवल वाला नियम लागू कर दिया, यानी कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 24 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने की पूरी आजादी दी। अब उसके बाद फिर से रो वर्सेस वेड केस जो है चर्चा में क्यों आया, आप ये जानना चाहेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले ही इस पे फैसला आया है। 2018 में अमेरिका के मिसिसिपी राज्य ने प्रेगनेंसी के 15 हफ्ते बाद अबॉर्शन को बैन कर दिया। ये 1973 और 1992 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था। जैक्सन वीमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस फैसले के खिलाफ एक याचिका डाली और 2018 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्टेट लॉ को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि स्टेट का लॉ महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है। इसके बाद मिसिसिपी सरकार मार्च 2019 में हार्ट बीट लॉ को लेकर के आई, जिसमें भ्रूण में कार्डियक एक्टिविटी देखने के बाद अबॉर्शन की मंजूरी ना होने का प्रावधान था। देखिए, सारी चीज़ें मेडिकल के रूल एंड रेगुलेशन को ही फॉलो कर रही हैं, जैसा कि आमतौर पर हर देश में हर जगह पे हर डॉक्टर करता है। आमतौर पर भ्रूण में कार्डियक एक्टिविटी प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते बाद ही दिखती है। इसको भी चुनौती दी गई, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बाद में सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने कानून को रद्द करने का फैसला सुनाया। फिर 15 हफ्ते वाला केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इसी केस का फैसला 24 जून यानी कि 2 दिन पहले आया। हालांकि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही ड्राफ्ट ओपिनियन लीक हो गया था, जिसमें पता चला था कि सुप्रीम कोर्ट मिसिसिपी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाने जा रहा है। इस लीक हुए ड्राफ्ट ओपिनियन के मुताबिक इस बार 9 में से 5 जजों ने रो वर्सेस वेड केस का फैसला बदलने की सिफारिश की, 3 ने विरोध किया। ड्राफ्ट ओपिनियन में लिखी गई कई बातें इस तरफ इशारा कर रही थी कि 1973 के जजमेंट को असंवैधानिक करार दिया जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ड्राफ्ट में क्या ओपिनियन लिखा हुआ था, जो हूबहू मैं आपको बताने जा रही हूँ। रॉ और सेसी केस के फैसले को पलटना जरूरी है। संविधान में कहीं भी गर्भपात को लेकर के अधिकार नहीं दिए गए। जेन रो शुरुआत से ही गलत थी, उसके तर्क बेतरतीब थे और उस फैसले से भारी नुकसान हुआ है। रो वर्सेस वेड केस से पहले भी कई राज्यों ने कानून में ढील दी थी, लेकिन उस फैसले ने पूरे प्रोसेस को खत्म कर दिया। इसलिए पूरे देश में सख्ती लागू की गई है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गर्भपात का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसको तय करने का अधिकार लोगों और उनके चुने गए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर के लोग अपनी काफ़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और एक यूज़र ने 1970 के इंडियन न्यूज़पेपर का फोटो शेयर किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि गर्भपात लीगल है, सुरक्षित है। इस फैसले के आते ही एक तरफ अबॉर्शन पे प्रतिबंध लगाने वाले समर्थकों ने खुशी जताई है, उसके जो सपोर्टर हैं उनमें खुशी है, वहीं इसका विरोध करने वालों में इसे महिला अधिकारों को कुचलने वाला बताया है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देश के लिए काफ़ी दुखद बताया है। उन्होंने इनफैक्ट कहा है कि ये एक दुखद दिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद अमेरिका के लगभग आधे राज्य या तो अबॉर्शन को पूरी तरह से बैन कर देंगे या उन पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे।
ये पूरी सिचुएशन थी और इस समय इस फैसले पे सोशल मीडिया पे काफी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि हर देश में जब कोई नया फैसला होता है या कोई महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की आजादी को लेकर के कोई फैसला आता है तो उस पर चर्चा होनी लाजमी है। और ये अबॉर्शन का फैसला महिला का निहायत निजी फैसला होता है, हालांकि भारत में बहुत सारे परिवार इसको नहीं मानते हैं, लेकिन गर्भपात अपना, उसे बच्चा रखना है या नहीं रखना है, ये महिला का एक अपना पर्सनल डिसीजन होता है। दूसरी बात यह है कि अब जब ये फैसला आ गया है तो इसकी चर्चा होनी भी लाजमी है, जबकि मैंने आपको बताया कि जो बाइडन भी इस फैसले से काफी खफा है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। वैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंडिया में अबॉर्शन का जो स्टेटस है उसमें नियम क्या कहता है, नॉर्मली जो मेडिकल ग्राउंड पे जो एक कहना चाहिए कि गोल्डन पीरियड होता है उसी में अबॉर्शन किया जाता है, अदरवाइज अबॉर्शन डॉक्टर अलाउ नहीं करते हैं। इसमें कानून ने जो कुछ कहा है वो ठीक है, लेकिन मेन जो रोल होता है वो डॉक्टर का होता है, उस पेशेंट का होता है, क्योंकि पेशेंट ने निर्णय लिया होता है कि उसे इस बच्चे को रखना है या नहीं, और डॉक्टर ने ये देखना होता है कि इसका मेडिकल मेडिकली इस औरत पे उसका क्या असर होगा। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्या कहते हैं इस पूरे फैसले पे, मुझे आपके नोट का अपने कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। फिर मिलती हूँ आपसे, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।